युवा देश की ताकत है। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें जमीन का पत्थर जानेंगे। दृष्टकाय नहीं हो पाएगा ये बदल सहसों वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले जो युवा नाम से जानेंगे। सुप्रभात परम आदरणीय निर्णायक मंडल, आदरणीय श्रोतागण एवं मेरे सभी प्रिय मित्रों, मैं कगज कल्पना कल्याण समिति की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया है। मैं आज आपके समक्ष एक भाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका विषय है अक्षय ऊर्जा का अधिक उपयोग एवं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। यदि ऊर्जा ही न हो तो आधुनिक अस्तित्व में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ऊर्जा रहित जीवन जीना आज के जमाने में मानो असंभव है। ऐसे में अक्षय ऊर्जा अक्षय विकास का प्रमुख स्तंभ है। अक्षय ऊर्जा ऊर्जा का वह विकल्प है जो असीम है। अक्षय ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। इसमें वह सारी ऊर्जाएं शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का भरण होता रहता है। अक्षय ऊर्जा अपार मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित व भरोसेमंद है तथा इनका समान रूप से वितरण भी संभव है। पूरे भारत में अपार मात्रा में जैवीय पदार्थ, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, लघु पन बिजली उत्पादक स्रोत आदि उपलब्ध है। पूरे भारत में कार्बन रहित ऊर्जा स्रोतों के विकास व उनका शोध आज प्रयोगशालाओं की चार दीवारों से निकल कर औद्योगिक एवं व्यापारिक की वास्तविकता बन चुकी है। बहुत जगह हमने देखा है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से जुड़ी होती है। सौर ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो हम सीधे सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं। इसी ऊर्जा के कारण जलवायु एवं मौसम में परिवर्तन भी आता है। और अगर हम विद्युत ऊर्जा को सूर्य की ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो हम इसे मुख्य रूप से सौर ऊर्जा कह सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा प्रकृति की ओर से हमारे लिए वरदान है। और अगर प्रकृति ने हमें कोई वरदान दिया है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे सही तरीके से उपयोग में लाएं। माना कि
और मरने के बाद भी अगर गंगा जी में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की।